आज हमारे पास है महिंद्रा की बुलेरो पिकअप मैक्सी ट्रक प्लस, और ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और आप फ्रेंड देख सकते हो, उसमें चेक इंजन लाइट है, जो इसकी फ्लैश कर रही है, मतलब बिलिंग कर रही है गाड़ी, चेक इंजन लाइट, ठीक है। और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो गाड़ी को लगाते हैं सेल्फ। मोटर वोटर हमारी गाड़ी की चल रही है सब, मगर गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही है। फ्रेंड गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। गाड़ी को करेंगे डायग्नोस। चलेंगे महिंद्रा इंडियन में डायग्नोस्टिक। अब चलेंगे इसमें व्हीकल सिलेक्शन में। हमारी गाड़ी बुलेरो पिकअप है, मैक्सी ट्रक, तो कमर्शियल व्हीकल में जाएंगे। बुलेरो पिकअप, बुलेरो पिकअप और बुलेरो BS6, ठीक है। बुलेरो पिकअप BS6, तो हमें BS4 है गाड़ी हमारी, तो बुलेरो पिकअप में चलेंगे। सिस्टम सिलेक्शन, इमोबिलाइजर में जाएंगे पहले। रीड फोल्ड कोड, तो इसमें आप फ्रेंड देख सकते हो, अथोटियन फेल टाइम आउट, ये कोड जो आ रहा है B2F4500, ये कोड करंट में है इसका, ठीक है। और B2F4400 9 ECM चैलेंज, ये भी कोड हमारा करंट में आ रहा है, ठीक है। तो गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो अब चलेंगे इसके इंजन में। इंजन, रीड फोल्ड कोड, तो आप फ्रेंड देख सकते हो, इसमें बहुत सारे कोड आ रहे हैं। इसमें गाड़ी में रेल प्रेशर का भी कोड है, व्हीकल स्पीड सेंसर का भी है। तो मेन जो कोड हमारी है, जो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, P1883, P183F, करंट इमोबिलाइजर नॉट परसेंट इन व्हीकल, ठीक है, करंट में कोड है। और P1832 करंट में है, इमोबिलाइजर अथोटियन एरर, ठीक है। ये हमारे कोड आ रहे हैं, करंट में कोड आ रहा है, ये भी कोड हमारा करंट में, इमोबिलाइजर एरर फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रॉन्ग एम्पटस, ठीक है। तो गाड़ी को करेंगे अब स्टार्ट। तो सबसे पहले इसमें दिखाते हैं कि गाड़ी इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। तो चल, अब इसमें आते हैं बैक, तो पहले फॉल कोड क्लियर करेंगे गाड़ी के। क्लियर रीड, तो ये कोड जितने कोड थे सब स्टोरी में जा चुके हैं, ठीक है। स्टोरी में हमारे कोड जा चुके हैं, एक बार क्लियर करने से ये सारे कोड क्लियर में जा चुके हैं, ठीक है। और आएंगे बैक, अब इमोबिलाइजर को रीड करेंगे। रीड फॉल कोड, ये कोड हमारे अभी भी करंट में, ठीक है। तो इनको देखते हैं क्लियर करके, हील्ड में जाते हैं कोड या नहीं जाते हैं। क्लियर, नो ट्रबल कोड हो गया, ठीक है, नो ट्रबल कोड हो गया। और वापस चलेंगे इंजन में, सारे कोड हमारे हिस्ट्री में है, तो उन कोडों को फिर एक बार क्लियर करेंगे। कोड, ये कोड हिस्टोरी वाले कोड नहीं आ रहे हैं, हिस्टोरी अदर्स, ठीक है, ये कोड नहीं आ रहे हैं। और हमारी इंजन की लाइट अभी भी फ्लैश कर रही है, ठीक है। तो फिर एक बार सेल्फ ऑन मार के देखेंगे गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं होती है। चाबी बंद, ये चाबी हमारी ऑन हो चुकी है, ये चेक इंजन लाइट अभी बिलिंग करी, तो गाड़ी को एक बार स्टार्ट करेंगे। ये हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो चलते हैं वापस से डिवाइस में। बैक बैक बैक, चलेंगे अब बैक बैक बैक, इमोबिलाइजर में जाएंगे गाड़ी के, इमोबिलाइजर में। और अब चलेंगे इसके न्यू इमोबिलाइजर में, न्यू इमोबिलाइजर, ओके। तो
तो सबसे पहला स्टेप इसका ये रहेगा कि इसका EMS ECU अनलॉक, तो पहले इसको इनेबल करके देखते हैं। तो व्हीकल सिलेक्शन कर देंगे चाहे ऑटो कर देंगे, तो बुलेरो पिकअप है हमारी गाड़ी, हमारी गाड़ी बुलेरो पिकअप है, तो ओके करेंगे। M2DICR 1785 यस। EMS ECU अनलॉक सक्सेसफुल, टर्न इग्निशन ऑफ 1 मिनट के लिए, ओके करके इग्निशन ऑफ करेंगे गाड़ी का। तो हमें 1 मिनट भी नहीं रुकना है, ठीक है, 1 मिनट भी हमें नहीं रुकना है। तो अब इसका इग्निशन ऑन करेंगे गाड़ी का। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हो अभी इसमें ECU अनलॉक किया है इसका, इसकी चेक इंजन लाइट, जो इंजन लाइट जो बिलिंग कर रही थी वो लाइट जा चुकी है, ठीक है, जो लाइट आ रही थी इसमें वो लाइट जा चुकी है। तो अब वापस से इसके इंजन में चलेंगे, देखेंगे हमारे उसमें क्या कोड आ रहा है, कोड हमारे क्लियर हो रहे हैं या कोड क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो चलते हैं इससे वापस से स्कैनर में बैक और बैक और बैक और बैक और बैक, व्हीकल सिलेक्शन कॉमर्शियल व्हीकल बुलेरो पिकअप, बुलेरो पिकअप, तो वापस सब कनेक्ट करना पड़ा, डिस्कनेक्ट हो चुका है। व्हीकल सिलेक्शन कॉमर्शियल व्हीकल बुलेरो पिकअप, बुलेरो पिकअप, सिस्टम सिलेक्शन इमोबिलाइज इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, रीड फॉल्ट कोड। तो आप देख सकते हो इसमें फ्रेंड ये कोड हमारे हिस्ट्री में आ रहे हैं, ये कोड क्लियर नहीं हो रहे, तो इन कोडों को क्लियर करके देखते हैं क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आएंगे बैक, क्लियर करेंगे, रीड करेंगे तो वापस से नोटेबल कोड हो गया है। अभी जो कोड क्लियर नहीं हो रहे थे स्टोरी वाले, ये कोड नोटेबल कोड हो चुका है, ठीक है, ओके करेंगे, फिर से रीड करेंगे नोटेबल कोड, ठीक है। अब चलेंगे इसके इमोबिलाइजर में, इमोबिलाइजर के कोड इसके क्लियर हो चुके थे, वापस से एक बार रीड करेंगे, इसको भी क्लियर करेंगे, रीड करेंगे नो ट्रबल कोड। तो गाड़ी को करते हैं अब स्टार्ट, हमारी जो चेक इंजन की जो लाइट बिलिंग कर रही थी वो लाइट अब वापस से नहीं आ रही है इसमें, तो न्यूट्रल देखेंगे गाड़ी को, करेंगे स्टार्ट। ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, गाड़ी में कोई चेक लाइट नहीं है और ना ही इंजन लाइट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।